सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की वीडियो आप सब लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कहीं पर भी वीडियो को स्किप मत करना। कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने CBI की जॉब प्रोफाइल और CBI से रिलेटेड सारी डिटेल्स आप लोगों को बताई थी। आप सब लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद किया, बहुत कमेंट्स आए, बहुत मैसेजेस आए और आप सब लोगों ने मुझे कहा कि CBI का कंपैरिजन और बाकी जॉब जैसे कि GST इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इस टाइप की जॉब्स के साथ CBI सब इंस्पेक्टर का कंपैरिजन करो ताकि हमें पता लग पाए कि हमारे लिए दोनों में से कौन सी जॉब बेटर है। तो आज मैं वही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आ गया हूँ। आप सब लोगों ने इतना कहा इसलिए मैं आप लोगों के लिए CBI सब इंस्पेक्टर का कंपैरिजन असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट से करूंगा। आज की वीडियो में आपको दोनों का कंपैरिजन करूंगा, हर फैक्टर को हम कंसीडर करेंगे, जैसे कि सैलरी, प्रमोशंस, जॉब प्रोफाइल, लाइफस्टाइल, यूनिफॉर्म, वेपन, यानी कि कुल मिलाकर जो भी चीज़ें होती है ना, हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, दोनों को क्या क्या काम रहता है, क्या क्या नहीं रहता। और इस वीडियो को अगर आपने पूरा एंड तक देख लिया तो आपको सब पता चल जाएगा कि आपके लिए दोनों में से कौन सी जॉब बेस्ट है, कौन सी जॉब बेटर है आपके लिए दोनों में से। वैसे तो सारी ही जितनी भी सरकारी नौकरियाँ सारी अच्छी होती हैं, लेकिन आपको अपने हिसाब से चूज करना है ना कि आपके लिए कौन सी बेटर है। तो इसीलिए वीडियो मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अब देखो, मेन मोटिव क्या है वीडियो को बनाने का, मेन मोटिव ये है कि जब आप लोग इतनी मेहनत करके किसी सरकारी नौकरी में लगते हैं तो आपको उस नौकरी में लगभग 30-35 साल काम करना होता है। तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि भाई इस नौकरी में क्या काम है, उस नौकरी में क्या काम है, तो आपकी पोस्ट प्रेफरेंस के टाइम पर आप कैसे फिल करोगे पोस्ट प्रेफरेंस। इतने आपने टीयर क्लियर करे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सारे लेवल जब क्लियर करके पहुंचे, DV के टाइम पर जब पोस्ट प्रेफरेंस फिल करनी है तो पोस्ट प्रेफरेंस तो भाई तभी फिल कर पाओगे ना जब पता होगा कि किस नौकरी में क्या करना है। तो मैं मेन मेरा मोटिव यह है कि मैं आप लोगों को ये बताऊं कि आपको किस नौकरी में क्या काम होता है, ताकि आप जो आपको जॉब पसंद है, जो आपकी मन पसंदीदा काम है, आप उसमें जाओ ताकि आप पैशनेटली काम कर पाओ। अगर आप किसी ऐसी नौकरी में चले गए जहां आपको काम करना पसंद ही नहीं, आप कर ही नहीं पाओगे ज्यादा लंबे समय तक, लेकिन वहीं आप ऐसी नौकरी में गए जहां पर आपको काम करने में बहुत मजा आएगा और पैशनेटली आप काम करोगे, तो भाई वहां पर तो लंबे समय तक काम कर पाओगे ना आप। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में आपको दोनों के सारे फैक्टर्स, जितने भी फैक्टर्स हो सकते हैं, हर चीज को कंपेयर करेंगे और एंड में आप खुद बताना कि आपके लिए कौन सी जॉब बेटर है। तो अब उससे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप लोग अगर CBI सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ED बनना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करना होगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। तो उसके लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि SSC CGL नाम का एक एग्जाम होता है, उस एग्जाम के थ्रू आप डायरेक्टली सब इंस्पेक्टर इन CBI भी लग सकते हैं, डायरेक्टली असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर इन ED भी लग सकते हैं। और ऐसी ही और भी बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मंत्रालय की जो नौकरियां होती है, मिनिस्ट्रीज की, SO, इस टाइप की बहुत नौकरियां हैं, वो सब आप SSC CGL के थ्रू लग सकते हैं। यानी कि जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है वो कॉमन प्रोसेस है, उसी के थ्रू आप यहां पर भी जा सकते हो, वहां पर भी जा सकते हो, वो आपको प्रेफरेंस फिल करनी होती है। ऐसे ही मैं खुद भी, जो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में SSC CGL क्रैक किया था और जो मेरी डिजायर्ड पोस्टिंग थी, जो मेरा एम था, वही एम मैंने लिया था। इसके साथ साथ मैंने CPO भी दिए थे और एग्जाम्स भी दिए थे, उन सब में भी अच्छा स्कोर था, लेकिन मेरा मेन एम ही SSC CGL था और वही मैंने करा और वही अपना सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा मैं आज आप लोगों के साथ। तो चलो अब चलते हैं मुद्दे की बात पर, यानी कि जो हमारी वीडियो है दोनों पोस्ट का कंपैरिजन, अब उसकी बात करते हैं। सबसे पहले हम दोनों की सैलरी को कंपेयर करेंगे, सैलरी को कंपेयर करने के बाद हम आगे चलेंगे। अब देखो, वैसे तो भाई दोनों ही 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है, यानी कि दोनों ही लेवल 7 की पोस्ट है, ग्रुप B की पोस्ट है दोनों ही, लेकिन फिर भी दोनों की सैलरी में कुछ ना कुछ फर्क होता है। अब मैं आप लोगों को वही बताऊंगा कि दोनों की सैलरी में क्या फर्क होता है। सबसे पहले तो देखो भाई, बेसिक पे होती है, जो भी लेवल 7 की यानी कि 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होंगी उनका बेसिक पे होता है 44,900। उसके बाद उस पर DA मिलता है जो कि करंटली 34% है। उसके बाद उस पर HRA मिलता है, अगर हम दिल्ली के HRA की बात करें तो वो 27% है। उसके बाद TA मिलता है, TA TPT जो बोलते हैं वो मिलता है, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। उसके बाद एक स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस होता है, वो इन दोनों ही नौकरियों में मिलता है, CBI में भी और ED में भी। ये जो स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंस है ये वैसे तो बहुत ही लिमिटेड नौकरियों में मिलता है, जैसे कि CBI, ED, NIA, इन लिमिटेड ही जॉब्स में है, लेकिन इन दोनों की अगर बात करें तो इन दोनों में ही मिलता है। तो भाई यहाँ तक तो सब कुछ सेम है, यहाँ तक आपके सारे फैक्टर सेम है। उसके बाद जो NPS कॉन्ट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का, वो भी सेम रहता है यहाँ तक। लेकिन अब एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो इनकी सैलरी में बड़ा फर्क डाल देता है, वो क्या कॉम्पोनेंट है, वो कॉम्पोनेंट है कि CBI में आपको 12 महीने यानी कि एक साल नौकरी करने पर 13 महीने की सैलरी मिलती है, एक महीने की सैलरी आपको एक्स्ट्रा मिलती है, जबकि ED में ऐसा कुछ नहीं है, ED में आपको 12 महीने की सैलरी मिलेगी। तो वो जो एक महीने की एक्स्ट्रा सैलरी है वो भी तो डिवाइड होकर हर महीने में ऐड होगी ना, तो ये एक ऐसा कॉम्पोनेंट है जो दोनों की सैलरी में फर्क डाल देता है। इसकी वजह से लगभग 8130 रुपये यानी कि 8130 रुपीज का फर्क आ जाता है दोनों की सैलरी में। और जितने भी मैंने आपको कॉम्पोनेंट्स बताए, इन सारे कॉम्पोनेंट्स को अगर मैं ऐड करूँ, ये DA, TA, HRA जो
भी मैंने बताया एस एस ए हर चीज़ को अगर मैं ऐड कर दूँ और जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी ऐड करूँ तो जो ग्रॉस सैलरी निकल कर आएगी वो सी बी आई सब इंस्पेक्टर की ग्रॉस सैलरी लगभग लगभग 1,05,000 के आसपास निकल कर आएगी और ई डी में ए ई ओ की ग्रॉस सैलरी लगभग 97,000 के आसपास निकल के आएगी। लेकिन हाँ, ये ग्रॉस सैलरी है, नेट सैलरी में कुछ डिडक्शन होते हैं और नेट सैलरी थोड़ी सी कम होती है इससे। अब बात करते हैं दोनों डिपार्टमेंट्स के नेचर ऑफ वर्क की, जॉब प्रोफाइल की, यानी कि आपको क्या काम रहता है, क्योंकि अगर आपका एम है दोनों में से किसी डिपार्टमेंट में जाना तो आपको उनकी जॉब प्रोफाइल और नेचर ऑफ वर्क जरूर पता होना चाहिए। तो पहले बात करते हैं सीबीआई की। जो सीबीआई है ये इंडिया का सबसे ताकतवर डिपार्टमेंट है। सीबीआई इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेज एंड पेंशन। जब स्टार्टिंग में इनिशियली सीबीआई को बनाया गया था ना, तो इनका जो मेन मोटिव था, जो मेन काम था जिसकी वजह से सीबीआई को बनाया गया था, वो था एंटी करप्शन। लेकिन धीरे धीरे सीबीआई डिपार्टमेंट इतना एक्सपैंड हो गया और इसकी अपनी ही इतनी ब्रांचेज और इतनी डिविजन्स बन गई कि अब इनका काम बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो चुका है। तो ऐसे ही मैं अगर आपको सीबीआई की कुछ ब्रांचेज के कुछ यूनिट्स के नाम बताऊं तो वो है एंटी करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन यूनिट, स्पेशल क्राइम ब्रांच, इंटरपोल, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग, ऐसे अलग अलग यूनिट्स हैं सीबीआई के। मैं ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि ऑलरेडी इसके लिए जो मेरी एक सीबीआई की डिटेल्ड वाली वीडियो है उसमें मैंने सब कुछ बता रखा है। जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो देख लेना, उसमें आपको हर चीज़ डिटेल में पता चल जाएगी। कुल मिलाकर अगर बात करें तो कुल मिलाकर सीबीआई एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही ताकतवर डिपार्टमेंट है। आप इसको इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जॉब्स कह सकते हैं और इसमें काम करने में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत एक्सपोजर मिलेगा और बहुत ही मज़ेदार नौकरी है। वहीं अगर ईडी की बात करें तो ईडी इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये एक लॉ एनफोर्समेंट और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी है। जो इनका मेन काम रहता है वो इनका मेन काम पीएमएलए और फेमा से रिलेटेड रहता है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट है। जो मेन इनका वर्क रहेगा वो इन दोनों एक्ट से रिलेटेड ही रहेगा। इस एक्ट में जो जो चीजें हैं उससे रिलेटेड रहेगा, बाकी यहाँ और एक्ट से रिलेटेड भी कुछ काम रहता है लेकिन मेजोरिटी काम इनसे रिलेटेड रहता है। यहाँ पर इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड जो भी कोई केस होगा या जो भी कुछ होगा ना, उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन का काम रहता है। मतलब अगर आप यहाँ पर भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ईडी भी एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल डिपार्टमेंट है। यहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा, अलग अलग वर्सेटाइल काम करने का मौका मिलेगा, बहुत टाइप के काम, मतलब बहुत कुछ आप सीखोगे, आपकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी, प्रमोशनल एस्पेक्ट्स भी बहुत अच्छे हैं इस डिपार्टमेंट में। तो मतलब वैसे तो दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत पावरफुल हैं, दोनों ही डिपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर मैं पर्सनली अपना पर्सनल बताऊं तो देखो जो ईडी है ना, यहाँ पर थोड़ा सा ना इकोनॉमिक ऑफेंस से रिलेटेड ही काम है, और जो सीबीआई है यहाँ का काम बहुत वास्ट है, ये बहुत एक्सपैंड हो चुका है, मतलब इसमें हर टाइप का काम है। तो मेरे हिसाब से सीबीआई, अगर मेरे को दोनों में से प्रेफर करना हो तो मैं तो सीबीआई को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगा। मेरे हिसाब से सीबीआई थोड़ी ज्यादा पावरफुल है ईडी से। वैसे तो ईडी भी कम नहीं है, दोनों ही एक से बढ़ के एक है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सीबीआई को मैं फर्स्ट प्रेफरेंस दूंगा और सीबीआई के बाद सेकंड नंबर पर मैं ईडी को रखूंगा। ये तो थी पावर की बात। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोनों में प्रमोशनल एस्पेक्ट्स की और हायरार्की की। पावर में तो मैंने आपको अपना ओपिनियन दे दिया, अब प्रमोशनल एस्पेक्ट्स में अगर बात करें, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सीबीआई की। तो अगर मैं सीबीआई की हायरार्की की बात करूं तो सबसे पहले कांस्टेबल से स्टार्ट करें, कांस्टेबल के बाद नेक्स्ट प्रमोशन के बाद लोग हेड कांस्टेबल बनते हैं, हेड कांस्टेबल से ऊपर एएसआई, एएसआई से ऊपर सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर से ऊपर इंस्पेक्टर, उससे ऊपर डीएसपी, उससे ऊपर एडिशनल एसपी, उससे ऊपर एसपी, उससे ऊपर एसएसपी, उससे ऊपर डीआईजी, उससे ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर, उससे ऊपर एडिशनल डायरेक्टर, उससे ऊपर स्पेशल डायरेक्टर, उससे ऊपर डायरेक्टर। जो सीबीआई के डायरेक्टर होते हैं ना, वो किसी भी स्टेट के डीजीपी के इक्विवेलेंट होते हैं। ये तो थी हायरार्की की बात। अब अगर प्रमोशन की बात करें तो जब आप लोग सीबीआई ज्वाइन करेंगे एसएससी सीजीएल के थ्रू तो आप सब इंस्पेक्टर लगेंगे, तो जो आपकी फर्स्ट प्रमोशन होगी वो लगभग 5 साल में हो जाएगी और आप फर्स्ट प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर बन जाएंगे। सेकंड प्रमोशन के बाद आप डीएसपी बनेंगे, नेक्स्ट प्रमोशन के बाद आप एडिशनल एसपी बनेंगे, नेक्स्ट प्रमोशन के बाद आप एसपी बनेंगे। जो मोस्टली लोग होते हैं ना, जो लोग सीबीआई को एज अ सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं, वो लोग एडिशनल एसपी या एसपी तक पहुंच पाते हैं। लेकिन कोई अगर ऐसे होंगे जो बहुत ही यंग एज में ज्वाइन कर गए तो उनके चांसेस हैं कि वो एसएसपी तक भी पहुंच पाएंगे। तो भाई देखो कितनी अच्छी प्रमोशन है कि आप सब इंस्पेक्टर ज्वाइन करके एसपी तक पहुंच पा रहे हैं। अब यहीं अगर ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की प्रमोशंस की बात करें तो जब आप एसएससी सीजीएल के थ्रू लगेंगे तो आप असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर लगेंगे, उसके बाद फर्स्ट प्रमोशन के बाद आप एनफोर्समेंट ऑफिसर बन जाएंगे, सेकंड प्रमोशन के बाद आप असिस्टेंट डायरेक्टर बनेंगे, उसके बाद नेक्स्ट प्रमोशन के बाद डिप्टी डायरेक्टर, नेक्स्ट प्रमोशन के बाद ज्वाइंट डायरेक्टर और नेक्स्ट प्रमोशन के बाद स्पेशल डायरेक्टर। मोस्टली जो लोग असिस्टेंट एनफोर्समेंट ज्वाइन करते हैं वो लोग डिप्टी डायरेक्टर या ज्वाइंट डायरेक्टर तक पहुंच पाते हैं। और ईडी में जो प्रमोशंस हैं वो कंपैरेटिवली थोड़ी सी फास्ट हैं, क्योंकि जो ईडी कि फर्स्ट 2 प्रमोशंस होती हैं वो लगभग 10 साल के अंदर अंदर होने के काफी चांसेस रहते हैं। तो अगर प्रमोशन में दोनों का कंपैरिजन करें तो प्रमोशन में कहीं ना कहीं ईडी को आप सीबीआई से बेटर कह सकते हैं। अब जो नेक्स्ट फैक्टर है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म की। तो अगर सीबीआई की बात करें
तो सीबीआई को वैसे एक ब्लेजर मिलता है कोट टाइप जो उनकी यूनिफॉर्म आप कह सकते हो, लेकिन वो ऐसे पर्टिकुलरली कोई यूनिफॉर्म पहनते नहीं है, वो सिविल यूनिफॉर्म सिविल ड्रेस में ही रहते हैं। कहीं पर इन्वेस्टिगेशन है, कहीं पर कुछ भी करना है तो सिविल ड्रेस में ही जाते हैं। आप ये कह सकते हो कि ये सिविल ड्रेस में रहने वाली पुलिस है। और वहीं अगर ईडी की बात करें तो ईडी की भी एज सच कोई यूनिफॉर्म नहीं होती है और ईडी भी सिविल में ही रहती है। और जो काम ईडी का होता है, ईडी का भी काम काफी हद तक पुलिस से मिलता जुलता ही होता है। अब नेक्स्ट अगर बात करें वेपन की, बहुत लोगों को इसमें इंटरेस्ट रहता है और इसमें डाउट रहता है कि क्या वेपन मिलता है या नहीं। तो भाई देखो, चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, दोनों ही डिपार्टमेंट्स में अगर आपके काम पर डिपेंड करता है, अगर आपके पास डेस्क जॉब है, आपको पेपर वाला काम है आपका, तो आप वेपन का क्या करोगे? तब तो वेपन नहीं मिलता। लेकिन हाँ, अगर कोई ऐसा ब्रांच मिल गया, कोई ऐसा काम मिल गया जहाँ रिस्की है, फील्ड जॉब में कोई रिस्क वाला काम है, कहीं ऐसी जगह जाना है, तो बिल्कुल डिपार्टमेंट आपको वेपन इशू करके दे सकता है। तो लेकिन वो तभी मिलता है जब कुछ ऐसा रिस्क इन्वॉल्व होगा या कुछ होगा, मतलब सिक्योरिटी रहती है, सेफ्टी रहती है, कोई घबराने वाली बात नहीं होती। अब अगर दोनों के लाइफस्टाइल की बात करें तो भाई वैसे तो दोनों ही इतनी अच्छी जॉब्स हैं कि दोनों ही पावरफुल जॉब्स हैं, दोनों में बहुत अच्छा सोशल रिस्पेक्ट है, दोनों में एडवेंचर है, सैलरी दोनों की अच्छी है। लेकिन हाँ, सैलरी को कंपेयर किया था तो वहाँ आपको दिखा दिया था कि सीबीआई की सैलरी ईडी से थोड़ी सी ज़्यादा है, उस चीज़ का डिफरेंस है। और अगर वर्कलोड की बात करें तो देखो भाई, वैसे तो दोनों ही रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, दोनों में इन्वेस्टिगेशन इन्वॉल्व है, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ भी इन्वॉल्व होती हैं कई बार, तो दोनों में ही वर्कलोड रहता है। लेकिन अगर कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं सीबीआई में वर्कलोड थोड़ा सा ज़्यादा रहता है ईडी के कंपैरिजन में। तो इस चीज़ में ईडी को लोग थोड़ा सा प्रेफर करते हैं कि वहाँ वर्कलोड थोड़ा सा कम है। बाकी ये वर्कलोड से तो घबराना नहीं चाहिए, जब आप लोगों को काम करना है, आप लोगों को मेहनत करनी है, तो ये कोई घबराने की या डरने वाली बात नहीं है। और ऑल इंडिया ट्रांसफर्स की बात करें तो वो भी दोनों ही जॉब्स में है। तो कुल मिलाकर दोनों ही नौकरियां बहुत अच्छी हैं। अगर आपको देश की सेवा करनी है, आप लोगों आप में कोई जुनून है कि आपको देश के लिए कुछ करना है, देश की सेवा करनी है, पुलिस जैसा काम करना है, तो भाई दोनों ही डिपार्टमेंट्स आप लोगों के लिए बहुत मजेदार है। तो मैंने अपनी साइड से अपने एक्सपीरियंस को और अपने दिमाग को यूज करके जितने भी फैक्टर्स थे उनमें अपने हिसाब से मैंने हर चीज बता दिया है, कंपैरिजन कर दिया है। अब ये आपको बताना है कि आपके लिए दोनों में से क्या सूटेबल है। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि आपकी जो पर्सनल चॉइस है, दोनों में से क्या आपको बेटर लगता है, किसको आप चूज करोगे। वीडियो हमारी अच्छी लगे तो भाई मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी अगर किसी और टॉपिक पर किसी और चीज पर वीडियो चाहिए कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी वीडियो बना दें। हमारा इंस्टाग्राम टेलीग्राम सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में।